इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपना मेन कनेक्शन जो कि आपका डायरेक्ट पोल से आता है उसको आप थ्री फेज एसी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक थ्री फेज कनेक्शन है जो कि डायरेक्ट जो आपके मीटर से डायरेक्ट आपके जो पोल से जो तार आ रही है उससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें तीन किटकैट लगे हुए हैं जो कि तीन फेज़ को अलग अलग तीन फ्लोर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि दो ये ब्लैक वायर आ रही हैं जो कि डायरेक्ट पोल से आ रही हैं, जिसको कि हमें जो है ये थ्री फेज़ के एसी कनेक्टर में लगाना है। आप देख सकते हैं तीन लाइनें हैं, तीन फेज़ की हैं और एक न्यूट्रल की है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, थ्री फेज का कनेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें चार स्विच बने हुए हैं और ये देखिए ब्लैक वाली वायर है, दो ब्लैक वाली वायर है जिसके अंदर से जो है चार तारें निकलती हैं। तीन जो है फेज़ की होती है, एक न्यूट्रल की होती है। जो मेन सप्लाई है वो हमें नीचे है, ये देखिए आप, हमने जो मेन सप्लाई आ रही है उसको हमने जो है जो हमारा MCB है उसके हमने नीचे कनेक्ट करना है और घर पे सप्लाई देने के लिए हमने किटकैट लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर की वायर है हमने उसे नीचे से सप्लाई दी हुई है, तीन फेज़ को तीन फेज़ के साथ जोड़ा हुआ है और एक हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद से जो आउटपुट वहाँ से आ रहा है वो हमने जो है अलग अलग तीन किटकैट बना रखे हैं जिसको कि हमने लोड डिवाइड किया हुआ है और एक किटकैट से एक फ्लोर पे, दूसरे किटकैट से दूसरे फ्लोर पे, तीसरे किटकैट से तीसरे फ्लोर पे हमने जो है भेजा हुआ है।